मैं निरंकार सिंह सच कहूं कि पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को धनतेरस व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सच कहूं के साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। देखते रहिए सच कहूं न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचे हैं। नई सरकार के गठन के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच दिल्ली पहुंचने पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में एक बार फिर भाजपा ही सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर वो आशावादी हैं। सरकार गठन की चर्चाएं जोरों पर हैं। हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर चर्चा के बीच निर्दलीय विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। निर्दलीय विधायक आज भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं। वो नई दिल्ली में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से धीरे धीरे मिलने पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा से मिलने वालों में गोपाल कांडा समेत 7 निर्दलीय विधायक हैं। बता दें कि भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि उन्होंने भाजपा को पहले ही समर्थन दे दिया है। आपको बता दें वो भाजपा के ही बागी नेता रहे हैं। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, नयनपाल रावत और धर्मपाल गोंदल नई दिल्ली पहुंचे हैं। यहां वो भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। हरियाणा में सरकार गठन को लेकर चर्चाएं अभी जारी हैं। मैं निरंकार सिंह सच कहूं कि पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को धनतेरस व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सच कहूं के साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। देखते रहिए सच कहूं न्यूज़।